करके अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से किसी भी डिब्बे में आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। तो मैं इस ऑर्गेनाइज़र को जो बनाई हूँ उसे डेकोर करने के लिए इस तरीके के थ्रेड का यूज़ करूँगी। ये वाइट थ्रेड है, बहुत ही मजबूत होता है। इसको फेविकोल की हेल्प से थोड़ा सा नीचे ऊपर से थोड़ा सा पार्ट को छोड़ के आप नीचे की साइड में हम इसे पूरा पेस्ट कर लेंगे। और ये सब करने से ना, ये जो कार्डबोर्ड तो बहुत हल्का होता है लेकिन इसमें कपड़ा पेस्ट करने से, ये कपड़ा और ये डोरी पेस्ट करने से ये काफ़ी मजबूत हो गया और थोड़ा सा भारी भी होता जा रहा है ये। और फिर इसे और अच्छा बनाने के लिए इसके दोनों साइड में मैं हैंडल लगाऊंगी। तो हैंडल के लिए मैंने इसमें सिंपल सा उसी डोरी को तीन पार्ट में कट कर एक चोटी जो होती है ना, बाल की चोटी, उस तरीके से इसे मैं बना लूंगी। ये देखिए बिल्कुल चोटी की तरह इस तरीके से मैं इसे रेडी कर लूँगी। और इसे और अच्छे से डेकोर करने के लिए यहाँ पे मैंने लेस ली हुई हूँ येलो कलर का, उसको मैं जो ऊपर का पार्ट मैं छोड़ी हुई थी उसके ऊपर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, जिससे कि ये काफ़ी सुंदर सा ये दिखेगा फिर। और फिर इसको हैंडल को भी मैं इस दोनों साइड में इक्वल साइज़ में इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से, क्योंकि ये थोड़ा थिक हो गया था तो ग्लू गन की हेल्प से ही इसे ये पेस्ट करेंगे तो जल्दी होगा। फेविकोल से पेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ग्लू गन की हेल्प से ये तुरंत से हो गया। और फिर अब जो मैं सेकंड DIY बना रही हूँ, सेकंड ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, वो एक ही डिब्बे से मैं दो बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ तो ये पैक है और एक तरफ से ये खुला हुआ है, तो जो खुला हुआ साइड है इसको भी मैं सेलो टेप की हेल्प से इसे मैं पेस्ट कर लूँगी इस पर, कि जिससे कि दो ऑर्गेनाइज़र मेरे बन जाएंगे। ये देखिए सेम उसी मेथड से मैंने यहाँ पे वहाँ पे वाइट थ्रेड का यूज़ की थी और यहाँ पे मैं जो जूट की रोप आती है उसको लेकर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी। और इसे डेकोर करने के लिए मैंने वाइट कलर का ही वो लेस ली हूँ और इसमें इसके ऊपर के साइड में इसे मैं पेस्ट कर दूँगी जैसा मैंने फर्स्ट वाला किया था। थोड़ा उससे थोड़ा सा चेंज है, उसमें मैंने थ्रेड का यूज़ किया था, इसमें मैंने जूट रोप का यूज़ करके इसे भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लूँगी। जो अब मैं थर्ड ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइज़र को इतना डेकोर नहीं करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से रखना चाहते हैं, बस अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा इस तरीके का जो पैकिंग पेपर आता है उस तरीके को उस डब्बे पे या बॉक्स पे पेस्ट करके भी आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आप इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाकर अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखिए, अपने चीज़ों को मेंटेन करके रखिए और हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र आपका बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डिब्बे की हेल्प से तीन ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ। तो ये देखिए कितना ये सुंदर, बिल्कुल आप मार्केट में तो ऐसा मिलेगा ही नहीं, आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसको मैं जहाँ यूज करूंगी वो आपसे जरूर शेयर करूंगी कि इसको मैंने कहाँ रखा है। और ये जो मैंने हैंडल लगाया है काफी अच्छा और मजबूत भी है, ये देखिए, और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में आप कोई भी सामान अपना रख सकते हैं। तो ये मैंने जूट की हेल्प से सेकंड DIY बनाई हूँ, सेकंड ऑर्गेनाइजर बनाई हूँ।
इसको मैं अपने मंदिर में, ये सब जितने भी मैंने DIY बनाया है वो सब अपने मंदिर में के लिए बनाया है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है। तरीके के ऑर्गेनाइजर में मैं अपने मंदिर के जितने भी कपड़े हैं उसको इसमें मैं रखूंगी। तो ये देखिए, ये देखने में भी अच्छा लगेगा और मंदिर के इस मंदिर में से रखेंगे तो वहां पे भी ये अच्छा लगेगा। इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर को आप घर में बना सकते हैं। तो जो मैंने थर्ड DIY बनाई हूँ वो है ये सिंपल सा, बिल्कुल पैकिंग पेपर का यूज करके मैंने इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाई हूँ। ये सब जितने भी मैंने ये सब चीजें बनाई हूँ अपने मंदिर के लिए बनाई हूँ, इन सब चीजों में उनको अपने मंदिर के सामान को मैं इसमें सब रखूंगी। ये रहा आज का वीडियो। आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बना बना कर आप अपने घर के हर छोटी छोटी सी चीजों को ऑर्गेनाइज कर कर आप इसे रख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा ऑर्गेनाइजर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे एक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।